देखिए इंडिया एक स्टेबल कंट्री है, पाकिस्तान स्टेबल कंट्री नहीं है, तो पाकिस्तान के लिए इसलिए शर्त है, देखिए अगर स्टेबल होगा देन ही कोई इस कंट्री इस तरह करेगा स्टेबल पर्सन को, तो इंडिया अगर देखिए बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, आपका नाम? ईशा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो यूनाइटेड अरब अमारात है, ठीक है, वहाँ पे जो इंडिया है उसको फ्री एंट्री दी जा रही है और पाकिस्तान के लिए ये शर्त रखी गई है कि अगर उसको इस मुल्क में आना है तो उनके पास उनके बैंक में 5,000 दरहम होना लाजमी है। ऐसा क्यों है कि इंडिया के लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रखी गई, पाकिस्तान के लिए क्यों रखी गई है? देखिए इंडिया एक स्टेबल कंट्री है, पाकिस्तान स्टेबल कंट्री नहीं है, तो पाकिस्तान के लिए इसलिए शर्त है, देखिए अगर स्टेबल होगा देन ही कोई इस कंट्री इस तरह करेगा स्टेबल पर्सन को, तो इंडिया अगर देखिए बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, मतलब कि सही बात की आपने कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, लोग आए दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और वैसे भी अगर देखा जाए तो जो इंडिया है उसका बाकी ममालिक के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, तो पाकिस्तान क्यों अपने रिलेशनशिप्स ख़राब कर रहा है हर मुस्लिम कंट्री के साथ और उनको कंडीशंस दी जा रही हैं साथ में? देखिए पाकिस्तान एक तो स्टेबल नहीं हो सका, देखिए उनकी इकोनॉमिकल लेवल को देखा जाए ना वो डाउन होता जा रहा है, तो कोई भी ये हुक्मरान पे भी मैं कहूँगी कि देखिए अगर पाक इंडिया के डेवलपमेंट का हाथ देखा जाए ना तो वहाँ कितने सालों से एक हुक्मरान है, और यहाँ के 8 सालों से देखा जाए तो 8 हुक्मरान तो आगे होंगे, तो ये देखिए जब तक कोई हुक्मरान ही नहीं रहेगा सही एक स्टेबल नहीं रहेगा तो वाम कैसे स्टेबल होगी, वो कैसे दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपने तल्लुकात बेस्ट करेंगी। ये आपको सोचे ना कि देखें वो अगर इंडिया की बात की जाए किसी और की बात की जाए वो एक ही हुक्मरान होते हैं, यहाँ पे 8 सालों से 8 से भी ज़्यादा बदल गए होंगे। सही है, तो पाकिस्तान को इससे क्या करना चाहिए कि उनको भी इंडिया की तरफ फ्री एंट्रीज मिलनी चाहिए? लेकिन पाकिस्तान को सबसे पहले स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल होने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें स्टेबल ऐसे नहीं होगा कि हुक्मरान यहाँ से काम करेंगे, इसके लिए ना दोनों को खुद काम करना पड़ेगा। ठीक है, एक इंडिया को इंडिया कहनी पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लिए ना हर इंसान को खुद डेवलप करना चाहिए, देखिए अगर एक इंसान डेवलप होगा तो 22 करोड़ आवाम डेवलप होगी, तो फिर ही पाकिस्तान डेवलप होगा, इस तरह ही वो स्टेबल हो सकेंगे। ओके, थैंक यू सो मच मैम आपकी ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उज़ैर। मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो यूनाइटेड अरब अमारात है, ठीक है, उसने इंडिया को कहा है कि फ्री एंट्री हम लोग आप लोगों को दे रहे हैं, आप हमारे मुल्क में आ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ शरायत रखी हैं, और शरायत ये है कि अगर वो 5,000 दरहम उनके बैंक अकाउंट में होंगे तभी उनको वहाँ पर एंट्री मिल सकती है, तो ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान को हमेशा इस किस्म की जो सिचुएशंस हैं वो फेस करनी पड़ती हैं? देखा जाए तो ये पाकिस्तान के साथ इन्होंने नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी यहाँ से जाता है वो इन्वेस्टमेंट करके ही जाता है, वीज़ा वगैरह टिकट वगैरह लेके जाता है, जाहिर बात है वो वहाँ पे जाके रहता है घूमता है जो भी करता है, ठीक है, वो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट ही कर रहा है, ठीक है, फ्री तो कोई जाएगा नहीं, वैसे घूम के तो आ नहीं सकता, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ही करता है जो भी आके जाता है, लेकिन हाँ पाकिस्तानियों में ये है कि ये जाते यहाँ पे विजिट वीज़े पे हैं, वहाँ पे जाके जॉब वगैरह के सिलसिले में, तो वहाँ पे वो इसलिए उन्होंने शायद ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी हो हमारे पे, लेकिन इन्हें वैसे ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी यहाँ से जाता है वो वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करके आता है, उनके मुल्क को प्रॉफिट ही होता है, नुकसान ही दे के आता है, सही है। लेकिन कुछ हो सकता है हमारे में जो गए हों जाके वहाँ पे जॉब वगैरह के सिलसिले में लग गए हों, ठीक है, इसलिए उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी हो हमारे पे, तो ये हम कह सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं? अगर इंडिया को देखा जाए तो उसके मुस्लिम ममालिक के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, और इनफैक्ट वो उनके साथ ट्रेड भी करने वाला है, तो पाकिस्तान को ट्रेड के मौके क्या फ्राहम किए जाते हैं इन मुस्लिम ममालिक कंट्रीज़ की तरफ? देखा जाए तो अभी तक तो नज़र नहीं आया कि ये मौके इन्होंने दिए हों पाकिस्तान को, ठीक है, लेकिन इन्हें देना चाहिए, पाकिस्तान भी पाकिस्तान से भी जो जाहरी बात आ जाएगा वो इन्वेस्टमेंट करके आएगा, बहुत से बिजनेस ऐसे इंडिया बैठे हैं जो वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं बाहर के मुल्कों को, उनके मुल्क को फ़ायदा दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है, तो इन्हें ये पाकिस्तान को मौके देने चाहिए वैसे। ओके, तो अगर पाकिस्तान को मौके मिल जाए इसी तरह बिल्कुल फ्री एंट्री के जैसे इंडिया को मिल रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए खुशखबरी की बात होगी, और पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा इस चीज़ के लिए? सारी बात है पाकिस्तान को खुशखबरी की बात है पाकिस्तान के लिए, ठीक है, एक तो यहाँ से आपके हमारे उनसे आए पाकिस्तानी ये विज़िट के लिए जाएंगे, दूसरे ममालिक उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ठीक है, वहाँ से इधर आएंगे उनकी हमारी पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट बनेगी, ये मौके मिलने चाहिए पाकिस्तान को, क्यों नहीं मिलने चाहिए? ओके, थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम शाहिद। शाहिद मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो यूनाइटेड अरब अमारात है उसने इंडिया को फ्री एंट्री दी है अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है, और पाकिस्तान के लिए शरायत रख दी है उन्होंने, उन्हें कहा है कि जब तक आपके पास 5,000 दरहम नहीं होंगे आप लोग हमारी कंट्री में नहीं आ सकते, तो ऐसा क्यों है? पाकिस्तान को हमेशा मतलब इंडिया को देखा जाए तो हमेशा फ्री हर चीज़ मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि उनकी ट्रेड बहुत अच्छी है, तो पाकिस्तान के साथ ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान को ये चीज़ें उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता इतना ज़्यादा?
उसकी रीज़न ये है कि हमारे पाकिस्तानी वहाँ जाकर जो अच्छे काम करते हैं वो आपको पता ही है, पूरी दुनिया में नाम रोशन करते हैं, और इसीलिए पूरी दुनिया हमारे मुल्क के अगेंस्ट जो है वो एक ही ट्रेंड चला रहा है कि जी गेट आउट पाकिस्तानी, गेट आउट पाकिस्तानी। आप ये नहीं कि सिर्फ यूएई, आप देखेंगे जी तुर्की है और जर्मनी है और इटली है, वो सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इस टाइम ट्रेंड चला दिया हुआ है वहाँ के लोगों ने कि जी यहाँ से गेट आउट कर रहे हैं पाकिस्तान को, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, इसमें बात यह है कि अगर हमें अपने पाकिस्तानियों की बात की जाए तो पाकिस्तानियों के हमारे कारनामे इतने अच्छे नहीं हैं। अगर पाकिस्तानियों के कारनामे बेहतरीन हो जाएँ तो मैं नहीं मानता कि पाकिस्तानियों का कहीं पे भी इमेज ख़राब हो। ये इमेज ख़राब करने वाले भी हमारे वही लोग हैं जो विजिटर वीज़े पे जाते हैं और जाते हैं वहाँ पे और घूमते फिरते रहते हैं और वहाँ पे वर्किंग करना शुरू कर देते हैं, तो ये एक मेन इशू है। तो इस इशू को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए ताकि हमें भी इंडिया की तरह फैसिलिटेशन मिलें? अब मेन चीज़ वही आ जाती है, हमारी डेवलपमेंट कुछ नहीं है, वो डेवलप्ड है, हम डेवलपमेंट में अभी डेवलपिंग में हैं, हमें अभी टाइम लगेगा, पता नहीं अगले कितने साल लगेंगे हमें उठने में, क्योंकि हमारे मेन चीज़ आती है ये सारी चीज़ें मेन किरदार अदा करना होता है हमारे बड़ों ने। हमारे बड़ों से मुराद ये है कि जो हमारे सियासतदान हैं, क्योंकि उन्होंने मुल्क में पॉलिसीज़ बनानी है, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ जाके हमारे जो भी यहाँ पे जो अपने दूसरे लोगों मुल्कों के लिए एक अच्छा इमेज पेश करें। और दूसरे में दूसरी बात ये है कि जो भी हमारे लोग यहाँ से बाहर जाते हैं वो सिंसियरिटी के साथ जाएँ, ये ना हो कि वो विज़िट वीज़े पर गए हैं तो प्रॉपर वो विज़िट का मतलब सिर्फ विज़िट है, तो विज़िट वहाँ पर घूमना फिरना चाहिए, ना कि ऐसे हो कि जी आप विज़िट वीज़े पर गए हैं और गायब हो गए हैं, आपका इमेज जारी बात है वो ढूंढ के आपको जब वो आप वहाँ पर 4 साल काम किया, 5 साल बाद काम किया, फिर वो पकड़ के आपको पाकिस्तान भेज देंगे, इसके साथ क्या होगा, आपके मुल्क का ना इमेज खराब हो जाएगा। जी सर, ये चीज़ है। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपके आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो यूनाइटेड अरब अमारात है उसने इंडिया को फ्री एंट्री दी है अपनी कंट्री के अंदर, कहा है कि आप फ्री आ सकते हैं हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए कुछ शरायत रखी हैं उन लोगों ने। पहली शरायत ये है कि उन्होंने कहा है कि जब तक आपके पास 5,000 दरहम नहीं हो सकते आप हमारे मुल्क में नहीं आ सकते। तो इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि इंडिया जो दिन ब दिन आप देख रहे हैं कि ग्रो कर रहे हैं, इंडिया तरक्की कर रहे हैं, शायद इसी वजह से उन्होंने कहा है कि आप फ्री आ जा सकते हैं, जिससे उनके तल्लुकात मज़ीद अच्छे हो। और हमारे हमसे तो उनकी पता नहीं वैसे दुश्मनी है, पीछे मैसेज के दिन में भी देखा है कि उन्होंने कहा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं हमें दिया, और उसके साथ ये शरायत रख दी है, क्योंकि इधर से कोई जाता है बाहर दुबई जाता है तो बड़ी मुश्किल से, कोई गरीब जाता है तो वो बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके दुबई जाता है, और उसके बाद वो 5,000 धर्म किधर से लाए कि वो शो करवाए, वो क्या करे। ये चाहिए कि जो कंट्री उनके लिए उसूल अपनाए वो ही हमें उसूल दे, ये बात है कि दोनों को बराबर रखा जाए, किसी को बेनिफिट ना दिया जाए। बराबर कैसे रखा जा सकता है ना, अगर देखा जाए तो इंडिया तो ऑलरेडी सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा मतलब कि प्रोग्रेस कर चुकी है, और वो ऑलरेडी एक डेवलपिंग कंट्री है, और उसमें ऑलरेडी इतना कुछ प्रोग्रेस हो चुका है कि अब हर कंट्रीज़ को ऑफर कर रही है, इंक्लूडिंग जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो भी। लेकिन पाकिस्तान के कुछ ना कुछ इशूज़ रहते हैं हमेशा से, जिनकी वजह से हम हमेशा पीछे रह जाते हैं, तो उन इशूज़ को सॉर्ट आउट करने के बाद ही हमें एंट्री मिल सकती है बिल्कुल जिस तरह इंडिया को मिली है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह हम अपने इन इशूज़ को रिजॉल्व करें? रिजोल्व इस तरह कर सकते कि वो हमें भूल गए, क्योंकि जब वो उन्होंने अपना एयरलाइन शुरू की थी ना तो हमारे पीआई के पायलट थे जो उन्हें गाइड करने वाले थे दुबई वालों को, तो हमने उनके ऊपर हमारे बड़े एहसान आते, वो लोग अब एहसान फरामोश हो जाए तो वो अलग बात है, क्योंकि उनके वो पायलट थे उन्हें जहाज चलाने नहीं आता था, किस लोगों ने बताया, हमारे पीआई के जो पायलट हैं उन्होंने जाकर उन्हें गाइड किया है और बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया है, और अब वो ग्रो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ग्रो करना चाहिए, बट ये है कि उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि कौन बुरे वक्त उनके साथ था और कौन नहीं साथ था। इंडिया के साथ जैसा मर्जी ताल्लुकात रखें, हमें इंडिया से मसला नहीं है, बेसिकली हमें अपने आप से मसला है कि हमारे साथ भी वो अच्छे तरीके से रहे, जैसे पहले थे वैसे चले, बस यही बात है। ओके, थैंक यू सो मच सर आपके।